फोक्स, दिस इज़ मी रतन राजौरिया अगेन। आज मैं आया हूँ मेरे खेत में आपको कुछ चीज़ें दिखाने के लिए। मेरे को कुछ स्पेशल सा दिखाई दे रहा है, मैंने सोचा आपको भी दिखाई देते हैं। चलिए, वो हैव यू एवर सीन दिस टाइप ऑफ फाइन वर्क? गजब है यार, ये क्या है? ये बेसिकली चिड़िया के घोंसले हैं। चलिए मैं आपको पिछले वाले कैमरे से दिखाता हूँ कैसे दिखते हैं, जो मेरे ऊपर दिख रहे हैं आपको लटकते हुए। ये एक एक तिनके से बनाए हुए घोंसले हैं और ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, चाहे ओले पड़े हैं, चाहे बारिश आ जाए, चाहे इतनी तेज़ थंडर स्ट्रॉम है, सैंड स्ट्रॉम है, राजस्थान में कितनी तेज़ आंधियाँ चलती हैं, उनसे भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो ये फाइन आर्टवर्क जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो ये बबूल का पेड़ है बेसिकली। इसके अंदर से आप देखिए, यहाँ से चिड़िया घुसती है। ये तो मेरे को लग रहा है इतना डेड एंड है, ये तो बंद ही कर दिया इसका मुँह, पता नहीं कैसे कलाकारी करी है। चलिए आपको दूसरा दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ से अंदर घुसती है। ये जो निशान स्पेस दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि वो अभी बाहर खाने के लिए चली गई हैं, शायद इस वजह से वो यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। ऊपर काफ़ी ज़्यादा घोंसले, उनको हिंदी में गोरैया बोलते हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज में बैया बोलते हैं, बैया जो भी है। लेकिन ये फाइन आर्टवर्क है, ये बड़ा ही शानदार लगता है देखने में। आपको करीब से दिखाता हूँ यार, इनका कंफर्ट जोन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने किस कदर ये आर्ट वर्क किया है। ये देखिए, इसके अंदर इन्होंने कपास लगा रखा है, रुई लगा रखी है। ये देखिए, ये इनके बच्चों का कंफर्ट बना रहे। ओ माई गॉड, गुडनेस मी, क्या शानदार बनाया यार इन्होंने। वो मतलब इन्होंने पूरा बंदोबस्त करके रखा है, ना इसमें पानी घुसेगा, ना धूल मिट्टी कुछ नहीं घुसेगा। अंदर कॉटन लगा रखा है, जो कपास होते हैं पड़ोस के खेतों में से, इस खेत में कपास थे पहले, उन्होंने यहाँ से लगा के इसमें लगा दिए। और इतना शानदार बनाया इन्होंने, एकदम गर्म नरम, क्या बोलते हैं, बिल्कुल सर्दी नहीं लगे, एकदम आराम से जाके अंदर सो जाओ जैसे अपन सोते हैं वैसे। ये तो बात हो गई इनके रहने की, जब बात इनके खाने की आती है तो इनके लिए खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इधर गेहूँ के खेत हैं, इधर गेहूँ के खेत हैं, उधर चने के खेत हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनको फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। तो फ्रूट्स के लिए मैंने इनके लिए एक खास पेड़ लगाया जिसको बोलते हैं मलबरी ट्री, हिंदी में अगर बात करें तो शहतूत का पेड़। और ये मेरे खेत में शहतूत का पेड़ है, तकरीबन 2 साल पुराना शहतूत का पेड़। ये देखिए, नीचे गिर जाते हैं ये, इतना ज़्यादा मात्रा में लगे हैं, इतना ज़्यादा बड़ा पेड़ है नहीं, पर जो प्रोडक्शन है मलबरीज का वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको दिखाता हूँ मैं नज़दीक से, मेरे को एक ब्रांच को नीचे करना पड़ेगा। ये देखिए, ऑल्दो ये उतने पके हुए नहीं हैं जितने ऊपर वाले हैं, फिर भी ये फेवरेट फूड है। कितने सारे पक्षी हैं जहाँ पे आके खाते हैं, कितने सारे पैरट्स हैं, स्पैरोज हैं। ये देखिए, इधर से नहीं दिख रहा यार, इधर से दिखेगा। चलो मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा। वाओ, सो आई एम गोइंग टू क्लाइम दिस ट्री, विल हैव ए लुक, वेरी क्लोजर लुक टू द मलबरी फ्रूट्स। देखते हैं ऊपर, मेरे को इसके लिए चप्पलें निकालनी पड़ेंगी, अच्छी ग्रिप निकालनी है। तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 ईयर सिंस आई क्लाइम्ब एनी ट्री, सो तकरीबन 1.5 साल के बाद में आज मैं फिर किसी पेड़ पे चढ़ रहा हूँ। इतना मुश्किल टास्क नहीं है, स्टिल दिस ट्री इज़ वेरी स्मॉल एंड हैव सम रिस्क कि इसकी ब्रांचेस टूट ना जाए, इसलिए मेरे को काफ़ी सेफ्टी से चढ़ना पड़ेगा। ये सबसे पहला मलबरी है, सबसे छोटा मलबरी है जो मैं खाने जा रहा हूँ। ओह माय गॉड, गुडनेस मी, वाओ, दिस इज सिंपली ऑसम। मैं अभी फ़ोन को ऊपर ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ नज़दीक से कि मलबरीज कैसे तोड़ते हैं, कैसे खाते हैं, कैसा टेस्ट है। आपको पता लगेगा कि इसको खाने के बाद कितनी असीम आनंद की अनुभूति होती है। चलिए ऊपर आते हैं, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में मलबरी ट्री के ऊपर। ओ माय गॉड, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, इसकी ब्रांचेस काफ़ी छोटी हैं, अगर मैं गिर जाऊँ तो मैं वो पार्ट काट देने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको नहीं दिखाऊंगा गिरते हुए कितना बुरा लगता है। चलिए, मेरे को एक अच्छा खासा मलबरी दिखा है। सी, दिस इज द प्रॉपर स्वीट मलबरी, क्योंकि इसका जो ग्रीनिश येलो टिंट जो दिख रहा है आपको, अगर ये कच्चा है तो आपको बिल्कुल हरा दिखाई देगा, थोड़ा सा पकने लगेगा आपको येलोइश टिंट नज़र आने लगता है,
और ये बिल्कुल तैयार है। ओह माय गॉड, गुडनेस मी, मतलब इसका टेस्ट पता हूँ कैसा है। इसका टेस्ट शहद, देखा है शहद, कुछ कुछ शहद जैसा और कुछ कुछ चीनी जैसा। ओह माय गॉड, मेरे माथे पे लेडीबग चढ़ गया था यार, मुझे पता ही नहीं चला। पहले हम लेडीबग को हाथ पे चढ़ाते थे, तो वो हाथ पे चढ़ता चढ़ता फिर उंगली पे चढ़ जाता था, उंगली पे चढ़ता चढ़ता था वो फिंगर टिप्स पे आ जाता था। फिंगर टिप्स पे आने के बाद जब जैसे वो उड़ने लगता था, हम उसको बोलते थे अगर मैं पास होऊंगा नेक्स्ट क्लास में तो वो उड़ेगा, नहीं तो नहीं उड़ेगा। और वो पक्का 100% उड़ता था, हम खुश हो जाते थे कि यार मैं तो पास होने वाला हूँ। लेकिन ये उसकी फितरत थी कि वो उड़ता ही उड़ता है, अगर आप उसको फिंगर टिप पे रखते हो तो वो एक पॉइंट पे जाके उड़ता ही उड़ता है। लेकिन अच्छा लगता था जब वो उड़ता था। चलिए मैं दूसरा देखता हूँ कोई। ये रहा, दिस इज़ द बिग वन। ओह माय गॉड, दिस इज़ वेरी स्वीट, वेरी जूसी, वेरी स्वीट काइंड ऑफ टेस्ट इट इज़ गिविंग। कैसे डिफाइन करूँ मैं आपको, कैसा लग रहा है? जैसा भी लग रहा है बड़ा शानदार लग रहा है, बस ये बोलूँगा मैं आपको। अभी यहाँ पे नाइटिंगेल्स, गोरैया, बया, स्पैरोज, पैरट, जितने तमाम तरीके के पक्षी हैं वो ये पेड़ पे आते हैं सुबह शाम और मस्त खा के जाते हैं। जितना खाते हैं उतना खाते हैं, नीचे खा खा के नीचे तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं, उससे काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता यार, क्योंकि देखो कितने सारे पक्षियों का पेट भरता है ये सिर्फ एक अकेला पेड़। दिस इज़ वेरी प्लीजिंग। तो अभी मैं पेड़ पे चढ़ने का मकसद मेरा यही है कि मेरे को नज़दीक से काफ़ी देखना है, काफ़ी दिनों बाद मुझे ये मौका मिला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताना भूल गया था कि मैं तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ा हूँ, मैं कुछ तकरीबन इतने एक मुट्ठी जितने तो मैं लेके जाने वाला हूँ घर पे, क्योंकि माय ग्रैंड मदर इज ईगरली वेटिंग फॉर दीज मलबेरीज। उनको बहुत अच्छे लगते हैं और मैं चाहता हूँ कि दादी को मैं आज सरप्राइज़ दे दूँ, जाके मैं एक मुट्ठी ये लेके जाऊँगा और दादी को बोलूँगा दादी मैं आपके लिए कुछ चीज़ लेके आई। वो इतनी खुश होती है इनको खा के, वो जितना खुश मैं नहीं होता, दादी उससे दूना खुश होती हैं। ये जो फ्रूट शुगर होती है ना, ये मान लो बेस्ट शुगर होती है बॉडी के लिए, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती। अगर आपको मीठा खाने का मन है तो आप फ्रूट्स खाइए बजाय आप शुगर के, क्योंकि वो इतनी रिफाइंड होती है, उसमें उतना ज़्यादा मज़ा आता नहीं है, बशर्ते वो कितनी भी ज़्यादा मीठी हो। लेकिन जो मज़ा फ्रूट शुगर में है, यू कांट गेट दैट फन एनीवेयर एल्स। तो समय हो चला है कि मैं अब कुछ मलबेरीज इकट्ठे कर लूँ, क्योंकि धूप काफ़ी पड़ रही है। कल इतनी तेज़ सैंड स्टॉर्म चल रही थी, आंधी चल रही थी, मैं ये पेड़ पे टिक भी नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। काफ़ी रिस्की था, क्योंकि मैं मुझे लग रहा था अगर मैं फ़ोन पकड़ता हूँ तो इतना ज़्यादा तेज़ी से आंधी चल रही है मैं गिर ना जाऊँ। ये देखिए यहाँ से मैं तोड़ने वाला हूँ। चलो एक, दूसरा कहाँ है, दो, तीन, मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सी विद इन 5 मिनट्स आई विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ 100 ग्राम एंड मे बी समवेयर बिटवीन 200 and 300 ग्राम। वाओ, ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ना, ये वीट की क्रॉप है। अभी मैं थोड़ी देर कटाई करके आया हूँ, काफ़ी ओले पड़े थे कुछ दिन पहले, उतना ज़्यादा अच्छा है नहीं अभी, स्टिल वी हैव टू डू सम वर्क। तो अभी मैं करके आया, अभी मैं यहाँ शहतूत लेने के बाद घर जाऊँगा और दो तीन दिन बाद मुझे ड्यूटी के लिए भी निकलना पड़ेगा, बिकॉज माई लीव आर ऑलमोस्ट यू नो गॉन। अब मेरे को एनी हाउ जाना पड़ेगा एंड दिस इज़ अ वेरी बैड फीलिंग आई कैन एवर हैव। लिविंग द होम इज़ अ वेरी टफ टास्क फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन आउट देयर इन द वर्ल्ड, द सेम हैपनिंग विद मी। वेल, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, विल गेट सम अदर चांसेस टू गेट होम बैक एंड विल बी गेटिंग बैक टू होम इन द अप्रैल ऑल्सो। तो अभी जा रहा हूँ मैं नीचे, कोशिश करता हूँ कि मैं फ़ोन भी साथ में रखूँ और नीचे भी जाऊँ। मैं फ़ोन को नीचे रखने के बाद मलबेरीज तोड़ने के लिए वापस ऊपर चढ़ूँगा। ओह माय गॉड, मुझे छलांग लगानी पड़ेगी। सो मैं नीचे आ गया हूँ। ओके, लेट मी टेल यू वन मोर फैक्ट
यहाँ पे इतनी सारी मधुमक्खी भी आती है। एक बार को मेरे को मधुमक्खी ने काट लिया था, यहीं पे रिएक्शन हो गया था। मुझे ए बी लेवल काफ़ी सारी चीज़ें लेनी पड़ी थी। ये था हमारा मलबरी का पेड़, काफ़ी हरा भरा दिखता है। और जो पीछे आप जो पेड़ देख पा रहे हैं वो मौसम्बी के पेड़ हैं, जो मेरे अंकल के खेत में खड़े हैं, मेरे ताऊ जी के खेत में खड़े हैं। अभी उनके कुछ लगा नहीं है, अभी उनकी सीजन नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाने वाला था। वो जो उधर पेड़ है, ये पेड़ है लेसवे का पेड़ है, उसके साइड में जामुन का पेड़ है, एक जामुन का पेड़ उधर है। वो जो आपको ऊंचे ऊंचे पेड़ दिख रहे हैं वो सफ़ेद के पेड़ है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, लेकिन अभी ये समय ऐसा है कि सारी फसलें कट रही होती हैं, इतना सूखा रहता है, सैंडस्टॉर्म आने शुरू हो जाते हैं। कल ऐसा ख़तरनाक सैंडस्टॉर्म आया था, मैं आपको दिखाने वाला था, लेकिन इवेंचुअली आई मिस दैट। तो चलिए बाय बाय, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, सी यू अगेन।